अब इसका जो जो पुलबैक है ना, ये बहुत सीरियस हो गया है। आपकी स्क्रीन पर जो प्राइस है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि जनाब ये स्टॉक जो है ना 162-163 जो कि इसका 14 अक्टूबर का हाई था, और पोजिशनली अगर आप देखें तो शायद अगर इसको ये निकालता है तो बहुत डाउट्स नहीं होंगे 172 के। आप इसे चेस करेंगे आशीष, या किसी फ्यूचर्स के थ्रू या कॉल्स के थ्रू, और डिलीवरी पे आपका टारगेट क्या है? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए चार्ट्स की अगर से बात करो तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहले तो एक फॉलिंग चैनल था, इसको इसने बहुत डिसाइसिवली ब्रेक किया और अब मैं समझता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट जो कि 161 का 16 नवंबर का मैं हाई देख रहा हूँ, 15 नवंबर का इनफैक्ट, तो वहां पर पे स्टॉक ने हाई बनाया था 162 का। आज के सत्र में 162 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक टिकेगा तो मेरे हिसाब से एक अच्छा अपमूव बनेगा जो इसको 171-172 की ट्रेजेक्ट्री में लेकर जाए। तो मेरे हिसाब से 162 के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट ONGC में देखने को नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस तब लगाना है 159 का, 159 के स्टॉप के सामने 172 के लक्ष्य आपको ONGC के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ऑप्शन में भी लिक्विड है तो मेरे हिसाब से 165 की कॉल ऑप्शन पर डेफिनेटली ध्यान दिया जा सकता है इस क्रूड के मूव को प्ले करने के लिए। ₹1.70 पे कॉल कल के सत्र में क्लोज हुई है, स्टॉप लॉस लगाना है यहां पर पे 90 पैसे का, ऊपर में ₹4 के लक्ष्य इस 165 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं।